जिन लोगों ने उसने पैसे खा लिए उनमें उस पर केसेज भी किए और फिर मिस्टीरियसली ही डाइड इन अ फायर इज हाउस कॉट फायर एंड सम पीपल से कि ही वॉज एक्चुअली मर्डर्ड बाय द पीपल दैट ही एलिजिटली स्टोर फ्रॉम एंड अदर पीपल से दैट ही मे हैव जस्ट सेट द थिंग ऑन फायर टू टेल पीपल क्या मैं तो गया हूँ एंड ही रैन अवे समथिंग वी डोंट नो मिस्टीरियस गाय सो बट His contribution is to develop a general mo model of market economy, circulation of money, income, equilibrium system, price mechanism, entrepreneurship, all of these things. And he in addition worked out theories of money, price, levels, value, uh, and price and distribution. Eight important distinction we introduced, which I think is very, very important, is the difference between intrinsic value and market price. Or is it three cases elaborate? काफ़ी उसने क्लैरिटी पैदा की मज़ीद और, और, औ, और हम इस डिस्टिकशन को ऑलरेडी एरिस्टोटल के पीरियड से लेके अब तक एक तरह या दूसरी तरह से देख ही रहे हैं अच्छा वेन ही रोट हिज वर्क तो ही वॉज इन सच अ फेमस इकोमिस्ट एज सच यू नो आई मीन ही अ यू कॉन्ट दैट ही वॉज वेरी पॉपुलर इन द नाइनटीन सेंचुरी और एक्सेट्रा अनटिल ही वॉज रे डिस्कवर्ड बाई जेवन हु इज़ ए न्यू क्लासिकल इकॉनमिस्ट जो ऑस्ट्रियन स्कूल वगैरह के साथ एक तरह से ब्रॉडली uh, मुंसलिक होता है कॉल इन द फादर ऑफ एंटरप्राइज इकोनॉमिक्स यानी कि ऑन्ट्रप्रनोरशिप का आइडिया जो इसने दिया उसकी वजह से ही कंसिडर्स टू बी द फादर ऑफ न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इनफैक्ट हीज कंसिडर टू बी वन ऑफ द फर्स्ट रियल जेन्यन इकोनॉमिस्ट सो एन इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दैर On wealth, who says, the land is the source of matter from whence all wealth is produced. The labor of man is the form which produces it. And wealth in itself is nothing but the maintenance, conveniences, and superfluities of life. So this, William Petty's you are influence William Petty. You land is the mother and labor is the father of wealth. So this, basically the concept. दूसरी बात यह कि वेल्थ ही इज़ नॉट लुकिंग एट जस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ कॉइन और गोल्ड एंड सिल्वर बट यू कैन सी मच मोर ब्रॉडली इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस मेंस कन्वीनियंसिसपरफ्लूटीज ऑफ लाइफ यानी कि गुड थिंग्स ऑफ लाइफ सो द नंबर ऑफ लेबरर्स एंड अदर्स हु वर्क इन स्टेट इज नेचुरली प्रोपोर्शन टू द डिमांड फॉर दैम यहां पे आपको वे क्लियरली नजर आ रही है कि डिमांड फॉर लेबर की एक थेरी आपको नजर आ रही है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द लेबर मार्केट की थेरी आपको नजर आएगी क्या कहता है वो कहता है जहां पे कोई पिंड है और वहां पर अगर सरप्लस लेबरर्स पैदा हो जाएं तो उनको अगर वहां पे काम नहीं मिल रहा दे विल हैव टू मूव टू द सिटी इफ दे डोंट मूव टू द द सिटी दे विल डाई ऑफ चिल्ड्रन विल डाई ऑफ डाईन इट्स वेरी बड़ा मतलब थोड़ा हार्श लफ्स इस्तेमाल करता है मगर वो जिंदगी भी उस वक्त बड़ी हार्श थी नॉट कि अब नहीं है बट सेज कि दे हैव टू फाइंड वर्क अदर्स मे बिकम सोल्जर्स और सेलर्स और लैकीस विच बेसिकली मीन सर्वेंट्स बट दे विल ऑल हैव टू फाइंड वर्क वेमेंस लेबर इज 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 इन सफिशेंट टू सस्टेन चिल्ड्रन जिसकी वजह से बच्चों को जब वो बाले हो जाएंगे उनको निकलना पड़ेगा काम ढूंढना पड़ेगा और अगर पिंड में काम नहीं मिलता तो शहरों की तरफ रुख अपनाना पड़ेगा ऑफकोर्स यू कैन सी ऑल्सो कि आर्थर लूस का जो फेमस टू सेक्टर मॉडल है वो भी बेसिकली यही है तो यहाँ पर आपको उसकी भी झलक नजर आ रही है इसे चैरिटी का तो कोई फायदा नहीं है जब तक उनको नौकरी नहीं मिलेगी उनको मुलाजमत नहीं मिलेगी उनको काम नहीं मिलेगा उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी उस वक़्त तक चैरिटी करते फिर वो कोई फर्क नहीं पड़ने लगा सो इसे विल नेवर बी हाउ एवर ऑनर हैंड नेवर बी अ लैक ऑफ क्राफ्ट इन अ स्टेट वेन देर इज इना वर्क फॉर देर कॉन्स्टेंट एम्प्लॉयमेंट अगर डिमांड होगी तो फिर एम्प्लॉयमेंट जो है उनको मिलती रहेगी और क्राफ्टमैन भी ऐसे डिवेलप होते रहेंगे इन अदर वर्ड डिमांड इस काइंड ऑफ इन sense, सेंस पुलिंग सप्लाई विद इट इसको इस तरह से भी मैं देखता हूँ जब मैंने ये पैराग्राफ पढ़ा तो मैंने ये दिल में सोचा कि पाकिस्तानी अक्सर ये सोचते हैं कि है कि हैगी मौसी है पंजरा इलाका गया, साड़ा की ताल्लुक मौसीकी नाल, तो फिर उसकी वजह से मौसीकी के लिए लेट से लाइव मौसीकी के लिए डिमांड लेट से ड्रॉप हो जाती है अगर डिमांड ड्राप हो जाती है तो मौसीकारों को फिर पैसे भी नहीं मिलेंगे अगर मौसीकारों को पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर उनको कोई और काम करना पड़ेगा कोई और मुलाजमत ढूंढनी पड़ेगी कोई और शोभा करना पड़ेगा तो एक शोबा जो है वो कम होता चला जाएगा जैसे जैसे उसकी डिमांड कम होगी सो so, क्या ये दुरुस्त कह रहा है मेरा ख़्याल है यस अगर एक सोसाइटी ये फील करती है कि फ़लानी स्किल हमें चाहिए ही नहीं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो स्किल उस सोसाइटी में ख़त्म होनी होती चली जाती है

कि वो ये कहेगा कि मार्केट प्राइस और इंटरेंसिक वैल्यू में फर्क है ठीक है तो इंट्रिन्... ये लिख लो नोट्स में अच्छा पॉइंट है लिखने वाला कि इंटरनसिक वैल्यू क्या है इंट्रेंसिक वैल्यू इज बेसिकली लैंड प्लस द लेबर दैट गोज इंटू अ कमोडिटी मेक्स द इंटरेंसिक वैल्यू ऑफ द कमोडिटी अब गौर करें कि लॉक में और और लोगों में हमने ये पढ़ा कि लेबर मेक्स द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी ठीक है यहां पे उसमें उसने लैंड भी शामिल किया हुआ है मच लाइक विलियम पेटी सो गॉन इसने लॉक भी पढ़ा हुआ, हुआ, हुआ है इसने पेटी भी पढ़ा हुआ है इसने अपने ज़माने के इकोनॉमी पढ़े हुए हैं सारे एंड यू कैन सी ही रिफर्स टू अगेन एंड अगेन बट बार तो वो कहता है हैविंग रिगार्ड टू द फर्टिलिटी ऑफ प्रोड्यूस ऑफ द लैंड एंड टू द क्वालिटी ऑफ द लेबर जितनी अच्छी क्वालिटी होगी लैंड की और जितनी अच्छी क्वालिटी होगी लेबर की उसी के हिसाब से उसकी कमोडिटी की वैल्यू जो है डिटर्मिन होगी उसी के हिसाब से उसकी वैल्यू बढ़ेगी But it often happens that many things which have actually this intrinsic value are not sold in the market according to that value. Now here comes a very important point. Ye, ye be again, if you're taking notes, even if it's in your phone or whatever, write it down. Okay? Market price is not the same as intrinsic value. The two are different things. What is intrinsic value? Labor plus land. Message of cheese And what is price? Price is the you know, what is market price? Market price is the actual money that you pay when you buy that commodity. That will depend on the humors and fancies of men and on their consumption. market price. So, there are two separate things here intrinsic value and market price. Got it? Not very complicated, but very important nonetheless. You see that this argument develops further and further in Ricardo, in Smith, in Marx, throughout the period of the classical economists. सो इफ देर आर मोर सेलर्स हाउ इज द मार्केट प्राइस डिटर्मिंड वो कहता है इफ देर आर मोर सेलर्स देन बायर्स द मार्केट प्राइस ऑफ द कॉर्न विल नेसेसरली फॉल बिलो द इंटरेंसिक प्राइस और वैल्यू ठीक होगी बात यानी कि अगर बायर्स कम होंगे सेलर ज्यादा होंगे तो प्राइस जो है वो इंटरेंसिक वैल्यू से नीचे गिर जाएगी यह है मार्केट प्राइस और यह है इंटरेंसिक प्राइस या इंट्रेंसिक वैल्यू ही इज यूजिंग दीज टर्म इंटरचेंजेबली प्राइस यूज कर लेता है कभी वो वैल्यू यूज कर लेता है बट इंट्रेंसिक वैल्यू इज द बेस्ट टर्म टू यूज हियर ठीक है सो मार्केट प्राइस एंड इंट्रेंसिक वैल्यू कहता है इफ ऑन द द अदर हैंड फार्मर्स सो लेस कॉर्न देन इज नीडेड फॉर कंजम्पशन कंजम्पन दे बी मोर बायर्स देन सेलर्स एंड द मार्केट प्राइस ऑफ कॉर्न विल राइज अबव इट्स इंट्रेंसिक वैल्यू सो यानी कि अगर कॉर्न कम होती है उसकी सप्लाई सेलर्स कम होते हैं बायर ज़्यादा होते हैं तो कौन जो है बढ़ जाएगी गौर करें यहाँ पे जो डिमांड एंड सप्लाई का मॉडल बन रहा है वो एल्फ्रेड मार्शल वाला नहीं बन रहा वो एक तरह से सिंपली ये मॉडल बन रहा है कि हेयर इज़ द लेट से यू नो ग्राफ अगर मुझे करना है तो हेयर इज द डिमांड फॉर यू नो वट एवर एंड हेयर इज़ द सप्लाई फॉर वट एवर जस्ट अ वैल्यू दैट्स दिंग एडेड राइट के टोटल नंबर ऑफ पीपल बायर्स ये टोटल नंबर ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट्स इन द मार्केट टू बाय अ गिवन कमोडिटी वर्स इज द टोटल अमाउंट ऑफ कमोडिटीज इन द इन द मार्केट बस इस तरह देख रहे हैं वो उसको यूं नहीं कर रहे जिस तरह आगे जाके डिमांड एंड सप्लाई का कर्व हम देखते हैं कि वो क्रिस क्रॉस सिजेस बनते हैं सिजेस नहीं बन रहे इट्स जस्ट टू वैल्यूज दैट इज गिविंग इट कि इतनी डिमांड है इतनी सप्लाई है क्या होगा अगर डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो प्राइस ऊपर चली जाएगी अगर डिमांड कम होगी और सप्लाई ज़्यादा होगी तो प्राइस नीचे चली जाएगी बस इतनी सी बात अच्छा बट देर इज नेवर अ वेरिएशन इन इंट्रेंसिक वैल्यू इसीलिए मैंने इंट्रेंसिक वैल्यू को इस तरह स्ट्रेट लाइन बनाया है कि वो कह रहे हैं इसमें वेरिएशन नहीं बाद में जाके हमें ये नजर आएगा कि इकोनॉमिस्ट इस चीज़ को स्टडी करेंगे तो वो कहेंगे नहीं इंट्रेंसिक वैल्यू भी ऊपर नीचे जा सकती है ये भी ऊपर नीचे जा सकती है बिकॉज द अमाउंट ऑफ लेबर दैट्स गोइंग इन टू अ कमोडिटी में इंक्रीज और डिक्रीज Specifically, that it will actually decrease. In well organized societies, the market price of the articles whose consumption is tolerably constant and uniform do not vary much from the intrinsic value. In well organized societies, the market prices of articles whose consumption is tolerably constant and uniform do not vary much from the intrinsic value. What is the relation between the value of land and the value of labor? Unlike मिस्टर लॉक जिस जिसपे आप लोगों ने बड़े एतराज़ा किए क्योंकि सर ये क्या थियोरी ऑफ प्रॉपर्टी आपने सुना दी कि एक बंदा जाता है और फल ले लेता है और फल उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है असी नहीं नुम क्योंकि रियलिटी तो हमें ये बताती है कि ऐसे तो कोई प्रॉपर्टी नहीं होती बड़ा आपने इस पर आर्ग्यू किया और मैंने भी काउंटर आर्ग्यू किया कि लॉक भी मानता है कि ऐसे होता नहीं मगर ऐसे होना चाहिए मैंने काउंटर आर्ग्यूमेंट दी मगर आई थिंक यू नो ही इज़ मच मोर राइट वन ही सेज प्रॉपर्टी इज़ फाउंडेड जस्ट ऑन वायलेंस एंड कॉन्क्वेस्ट सीधी जी गल है इट्स नॉट द केस कि भाई किसी ने जाके पहले ले लिया तो फिर उसकी हो गई वगैरह बस इट्स जस्ट वायलेंस इन कॉन्क्वेस्ट और कुछ भी नहीं कब्जा कर लिया तो बस उसका हो गया एह इतनी सी बात है प्रॉपर्टी हो गई द लेबर ऑफ़ एन एडल्ट स्लेव ऑफ़ द लोएस्ट क्लास इज वर्थ एट लीस्ट अच्छा अब वो ये डिटर्मिन करना चाहता है कि एक लेबर की जो वैल्यू है उसकी जो काम की वैल्यू है उसको लैंड में की टर्म्स में या लैंड की प्रोड्यूस की टर्म्स में कैसे कैलकुलेट किया जाएगा यानी अगर आप काम कर रहे हैं आपकी वेज को हम कैसे डिटर्मिन करेंगे कि आपकी क्या वेज होनी चाहिए कहता है द लेबर ऑफ एन एडल्ट स्लेव ऑफ द लोएस्ट क्लास इज वर्थ एट लीस्ट एज मच एज द क्वान्टिटी ऑफ लैंड विच द प्रोप्राइटर इज ओबलाइज टू अलॉट फॉर इज फूड एंड नेसेसरीज एंड ऑल्सो टू डबल द लैंड विच सर्व्स टू ब्रीड अ चाइल्ड अप टिल ही इज ऑफ एज फिट फॉर लेबर सींग हाफ द चिल्ड्रेन दैट आर बोर्न डाई बिफोर द एज ऑफ सेवनटीन ठीक है सतारह की साल की उम्र से पहले आधे बच्चे तो वैसे ही मर जाते हैं तो एक लेबरिंग फैमिली को सस्टेन करने के लिए सिर्फ बंदे को नहीं मगर पूरी फैमिली कर, को सस्टेन करने के लिए कितनी जमीन चाहिए दैट इज द क्वेश्चन दैट इज ट्राइंग टू लुक एट समझ आ रही बात की कोई क्वेश्चन क्लियर होगी बात कि आप अगर एक बंदे हैं आपकी एक फैमिली है बीवी बच्चे हैं आपके जिंदा रहने के लिए कितनी ज़मीन चाहिए दैट इज द क्वेश्चन आपकी नीड्स को पूरा करने के लिए नहीं कि आप एक्स्ट्रा उसमें से बनाएं कमाएं प्रॉफिट बनाएं, प्रॉफिट नहीं जस्ट फॉर योर सबसिस्टेंस हाउ मच इज नीडेड ही सेज़, द डेली लेबर ऑफ द मीनस स्लेव कॉरिस्पॉन्ड्स इन वैल्यू टू डबल द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड रिक्वायर्ड टू मेंटेन हिम ठीक है सो so, Uh, it will always be for more, more it will always be more profitable to the proprietor to, to keep slaves than to keep free peasants because when he has brought up a number too large for his requirements, he can sell the surplus slaves as he does his cattle. the value of a day's work has a relation to the produce of the soil. The land required for the upkeep of a worker varies according to the mode of living in different countries. So, countries as other land to you, which countries may come land to you. It depends on the productivity of the land. And it also depends on the culture of that society. So it's not one and the same all across the world. The money or coin which finds a proportion of values in exchange is the most certain means measure for judging of the power between land and labor and the relation of one to the other in different countries where this power varies according to the greatest or lesser produce of the land allotted to those who labor. In some place, a worker earns one ounce of silver. In another place, it is half an ounce of silver for one day's work. You, you, we can conclude that these wages are the same in relation to the produce of the land, and this, there is also slight variation in terms of the culture of the people. Okay, uh, so for example, um, if if this laborer is in India, Indian laborers almost live on nothing. It'll be much lower. But if the same labor is in a country that is known where labor will also drink a glass of wine cheap wine let's say in france so then that has to be included or beer as in the uk so that has to be included in that calculation it's a it's also a cultural calculation the minimum wage subsistence wage but he wants you to do it in terms of land how much land does it take to produce this amount that will be necessary for subsistence because that will give you the right proportion between land and labor, that's the experiment he does, and he comes up with various values, which of course today are not so relevant to us, because they are values from 400 years ago, so obviously they're not that relevant anymore. And he comes up with various values, but the important thing is the is the calculation itself that land. is reconcilable into labor labor is reconcilable into land they are both exchangeable with each other the value somehow or the other is exchangeable with each other they become the same thing so what he means is an entrepreneur and a risk taker so um wo kehta hai farmer bhi ek kism ka undertaker hai because उसको risk है कि weather अच्छा होगा या नहीं होगा crops grow करेंगे कि नहीं फिर market price का उसको कुछ नहीं पता कि वो ठीक मार्केट प्राइस मिलेगी एट द मोमेंट या नहीं मिलेगी कौन चाहिए या नहीं चाहिए मर्चेंट्स एंड होल सेलर्स जो हैं वो भी अंडरटेकर्स हैं क्योंकि वो भी रिस्क ले रहे हैं रिस्क टेकर्स हैं हाउस होल्ड जो हैं वो थो, थोड़ी थोड़ी कमोडिटीज खरीदेंगे ना कौन इतनी तो नहीं खरीद लेंगे गोदाम में तो नहीं रख सकते उतनी ही खरीदेंगे जितनी एक वीक की सप्लाई होगी जब आपकी अम्मी जाके शॉपिंग करती हैं जो सौदा लेके आती हैं तो वो पूरे तीन महीने का सौदा तो नहीं लाती ना वो एक हफ्ते का सौदा लेके आएंगी ना एट द मोस्ट फिर दोबारा जाएंगी फिर दोबारा जाएंगी हर हफ्ते जाके ग्रोसरीज लेके आएंगी राइट अदरवाइज वो खराब हो जाएंगी राइट right? तो फिर वो किस तरह मैनेज होता है वो इसी तरह मैनेज होता है कि हाउस होल्ड बिकॉज दे बाय स्मॉल क्वांटिटी होल सेलर बिग क्वान्टिटी एंड सेल्स टू हाउस होल्ड फॉर अ हायर यूनिट प्राइस सो होल खरीद लेगा और फिर थोड़ी 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 थोड़ करके आपको छोटी छोटी क्वानिटीज़ में बेचता रहेगा बहुत सारे लोगों को छोटी छोटी क्वांटीज़ में बेचेगा अगर आप होलसेल से खरीद आप भी होलसेल से ख़रीदें तो आपको सस्ती चीज़ मिल जाएगी मगर ऑब्वियसली वो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी आप ख़रीद नहीं सकते तो इस तरह मर्चेंट्स जो हैं सिटीज़ के अंदर पैदा होते हैं जो कि एग्रीकल्चर से खरीद लेते हैं क्योंकि आप अगर पिंड से आ रहे हैं पूरा अपनी बुलक काट आपने भरी हुई है आपने ट्रैक्टर ट्रॉली भरी हुई है गन्ने से और आप आ गए हैं बेचने के लिए तो कोई इंडिविजुअल नहीं वो खरीदेगा वो होल सेलर आपसे खरीदेगा वो फिर आगे कई लोगों को बेचेगा जो भी चीज़ आप आके बेच रहे हैं और इस तरह करके सारा मामला आगे चलेगा अच्छा सो so, मैन्युफैक्चरर भी वो कहता है अंडरटेकर है क्योंकि वो भी रिस्क लेता है ड्रेपर भी अंडरटेकर है शॉपकीपर भी अंडरटेकर है और बहुत सारे वो नाम लेता है वो कहता है पेंटर ये वो स्किल्स कई स्किल्ड लोगों के नाम लेता है और कहता है ये सारे ही एक तरह के अंडरटेकर हैं जो भी रिस्क ले रहा है वो एक तरह का अंडरटेकर है सो so, अब वो कहता है तीन क्लासेस हैं सोसाइटी के अंदर जिसमें हम डिवाइड कर सकते हैं एक्सेप्ट द प्रिंस एंड द प्रोप्राइटर्स ऑफ लैंड ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ द स्टेट आर डिपेंडेंट द ओनली पीपल हु आर इनडिपेंडेंट आर पीपल हु आर लैंड ओनर्स प्रिंस एंड लैंड एंड लैंड ओनर्स प्रिंस भी लैंड ओनर ही है बेसिकली क्यों वो क्यों इंडिपेंडेंट है क्योंकि वो ज़मीन में से अनाज उग रहा है वो खा रहा है उसको कोई से कहीं से जाके अगर वो कहीं मार्केट से जाके कोई चीज़ नहीं भी खरीदता तो वो भूखा नहीं मरेगा ठीक है

अनफिक्सड वेजिस एंड द अदर्स ऑन वेजिस फिक्स्ड सो लॉन्ग एजीव दैम थ्रू देयर फंक्शन एंड रैंक्स मे बी वेरी अन एकवल यानी कि हो सकता है कि कोई किसी की वेज बड़ी ऊंची हो या किसी की वेज बहुत नीची हो उनकी उनमें वेरिएशन हो सकती है मगर बहरहाल जो भी उनकी वेज है वो फिक्सड है उनका जो रिवॉर्ड है वो वेरी नहीं करता ठीक है ना वो रिस्क नहीं ले रहे उनको पता है कि भाई महीने के एंड में मुझे इतने पैसे मिलने चाहे तो बिजनेस चले या ना चले मैं तो इतने पैसे लेने तो लो जी उसने थ्री क्लासेस आपको यहाँ पे बता दी लैंड ओनर्स कैपिटलिस्ट कैपिटलिस वर्कर्स और ये इसलिए इंतहाई अहमियत रखता है क्योंकि क्लासिकल पोलिटिकल इकोनॉमी मैं तो कहूँगा इस पीरियड से लेके अप टू दू नो ट्वेंटी सेंचुरी बेसिकली है ही ये पोलिटिकल इकोनॉमी का जो स्टाइल ऑफ एनालिसिस है वो हमेशा थ्री क्लास एनालिसिस रहा है लैंड ओनर्स कैपिटलिस्ट या मैन्युफैक्चरर्स एंड लेबरर्स इन तीन क्लासेस का की एग्जामिनेशन से जब आप शुरू करते हैं सोसाइटी को देखना तो इस प्रोसेस को आप कहते हैं क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी ठीक है सो so, आप देख रहे हैं कि उसने उसकी बुनियाद रख दी यहाँ पर और ये चीज आप रिकार्डो में भी देखेंगे ये चीज़ आप मार्क्स में भी देखेंगे इन मोर सोफिस्टिकेटेड वे ये चीज आप स्मिथ में भी देखेंगे आप कई इकोनॉमीस में इसके बाद देखेंगे लो जी ये उसका मॉडल बन गया कि ऊपर बैठे हैं प्रॉपर्टी ओनर्स उन्होंने लैंड दिया, दिया फार्मर्स को रेंट वसूल कर लिया ठीक है फार्मर्स ने वर्क के वेजेस को लेबरर को रखा वेजेस दी और उन्होंने काम किया फार्मर्स के लिए फार्मर्स ने प्रॉफिट्स ऑन्ट्रप्रेनोर्स को बेचा गुड्स यहाँ से आ गए जो ऑन्ट्रप्रीनोर्स ने गुड्स बनाए थे वो फार्मर्स को मिल गए फार्मर्स ने बनाए इनको मिल गए इन्होंने आर्टिजेंस को रखा आर्टिजन ने गुड्स दिए उन्होंने कमोडिटीज बनाई वो इधर लेबरर्स को बिक गई एंड सो ऑन सो द साइकिल कंटिन्यूस इन दिस वे इस साइकिल में ऑब्वियसली जो इंडिपेंडेंट है वो ये लोग हैं जो ऊपर बैठे हैं प्रॉपर्टी ओनर्स और ये जो नीचे है ये फार्मर्स हो गए ये ऑन्टरप्रिन हो गए ये लेबरर्स हो गए या आर्टिजेंस हो गए इनके दरमियान कॉन्स्टेंट एक सर्कुलर फ्रो एक एक्सचेंज रहता है ठीक हो गया आगे चलते हैं ऑफ बाटर सिंस इट इज इंपॉसिबल टू फिक्स द रिस्पेक्टिव इंट्रेंसिक वैल्यू And there was absolute necessity for man to find a substance easily transportable, not perishable, and having by weight a, propo a proportion or, or, or value equal to the different products and merchandises, necessary or convenient. Thence arose the choice of gold and silver for large business and of copper for small traffic. So how did the need for money arise? Money arose as a need. When Barter, when I have he is that he cannot fulfill the needs of trade. तो और क्योंकि आप रिस्पेक्टिव इंट्रेंसिक वैल्यूज़ को पहले से प्री फिक्स नहीं कर सकते वगैरह तो इस वजह से आपको कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो कि ड्यूरेबल भी हो जिसको आप तोड़ सकें मुख्तलि हिस्सों में जो कि रेयर इनफ हो सच कि आपको हर जगह से ना मिल जाए अगर आपको हर जगह से ही मिल जाए तो फिर वो इट विल नॉट बी गुड फॉर मनी बिकॉज हो सकता है आपको चलते चलते कहीं से वो चीज़ मिल जाए मगर इतनी भी रेयर ना हो कि आपको मिले ही ना कहीं पर और अगर आपको बिल्कुल ही ना मिले तो फिर वो मनी का काम नहीं कर सकती तो दोनों हवालों से इट हैज़ टू फुलफिल दैट क्राइटेरिया सो दैट इज वाई कॉपर गोल्ड सिल्वर आई यूज वाई मेटल्स वाई नॉट अदर थिंग्स बिकॉज मेटल्स को आप पिघला के छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं जबकि लकड़ को आप जो इसलिए नहीं कर सकते लकड़ी प्लैंक को अगर मैं काट दूँ तो वो प्लैंक जो अपनी वैल्यू लूज कर जाता है क्योंकि एक बड़ा प्लैंक ऑफ लकड़ी इज़ मोर वैल्यूबन दैन अ स्मॉल प्लैंक ऑफ लकड़ी क्योंकि उसकी अपनी एक टेंसल स्ट्रेंथ है उसकी अपनी एक स्ट्रेंथ है जो कि दो प्लैंक्स की कभी स्ट्रेंथ नहीं हो सकती इसी तरह अगर एक काओ है तो मैं काओ को कहूँ चल आधी काओ तू ले ले तो आधी काओ मैं ले लू काट लेते हैं बीच में से तो उसकी वैल्यू तबाह हो जाएगी ठीक है ना वो सिर्फ एज मीट बच जाएगी उसकी वैल्यू राइट right? सो so, उसको तोड़ा नहीं जा सकता उसको काटा नहीं जा सकता जनरली किसी भी ऑर्गेनिक चीज को आप काटेंगे तो तबाह हो जाएगी और और भी चीजें हैं पानी को कैसे कैरी करोगे वो रेय इट नॉट रेयर इनफ वो तो कहीं से भी मिल जाएगी आप पानी तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा तो इट्स नॉट रेयर इनफ सो यू नीड समथिंग दैट्स जस्ट रेयर इनफ सच दैट इट कैन इट कैन नॉट बी फाउंड एवरीवेयर एंड एंड इट कैन इट शुड बी डिविजिबल इन सच ए वे दैट इट डज नॉट लूज वैल्यू एंड दैट इज मेटल एंड सो मेटल्स व यूज फॉर दिस पर्पज ऑफ मनी So, Locke has said value of all things is proportionable to their abundance of scarcity, but we must also consider exports from a given locality. If a is area or a area, then it vary Of course, Locke would agree with that. It's not a really very important point. But Locke didn't look at international trade, in the, and he did. So, that's one. He just adds that. You have to look at trade outside the locality. अब आते हैं मार्केट प्राइस कहते हैं मार्केट प्राइस इज सेट बाय बार्गेनिंग बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स इसीलिए मैंने ये बार्गेनिंग की तस्वीर लगा दी मार्केट प्राइसेस डू नॉट वेरी मच फ्रॉम इंट्रिंसिक प्राइसेस इंटरेस्टिंगली कि ये बहुत ऊपर नीचे नहीं, नहीं जाता थोड़ा जाता है मगर फिर वापस आ जाता है वो जो इक्विलिब्रियम की किसी ने यहाँ पर बात की थी इट इज क्लियर दैट द क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस और ऑफ मर्चेंडाइज फॉर सेल इन प्रोपोर्शन टू द डिमांड और नंबर ऑफ बायर्स इज द बेसिस ऑन विच इज फिक्सड और ऑलवेज सपोज टू बी फिक्सड द एक्चुअल मार्केट प्राइस and that in general these prices do not vary much from the intrinsic value. So clear ho gayi baat ke market price moves around the intrinsic value. Intrinsic value is made up of two things, land and labor. That's his economic model. फिर कहता है अगर money supply increase कर दी जाए तो क्या उसे मुल्क अमीर हो जाता है कहता है देखो दो countries की example देता है स्पेन की और पोर्चुगल की, की कहता है

तो उससे क्या होता है वो कहता है मनी सप्लाई कैन इंक्रीज बाई ग्रेटर ऑफ मनी वो ये बात कहता है ही ही यूज दिस टर्म सेज एन एक्सेलरेशन और ग्रेटर रिपिडिटी इन सर्कुलेशन ऑफ मनी इन एक्सचेंज इज इक्विवेंट टू एन इंक्रीज ऑफ एक्चुअल मनी अप टू अ पॉइंट ठीक है सो so, कैसा उसने विलॉसिटी ऑफ मनी को बिल्कुल क्लियर डिफाइन कर दिया कहता है इंक्रीज इन मनी कॉजेज एंड इंक्रीज इन कंजम्पन एंड सो पहले जब ये बहुत सारे पैसे यहां पे आए उन्होंने खर्च करने शुरू किए खर्च करने से कंजम्पशन बढ़ गई कंजम्पशन बढ़ने से प्राइसेस बढ़ गई लैंड लॉर्ड्स विल रेज देर रेंट्स इन्फ्लेन विल कॉस बस वर्कर्स टू आस और मोर मनी और लीव टू फाइंड बेटर वर्क सो क्या होता है उसका इम्पैक्ट कन्जम्पन बढ़ जाती है मगर कंजम्पन बढ़ने के बाद सारी प्राइस ऐसा आहसा बढ़ना शुरू हो जाती है जो प्राइस आगे आहस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाती हैं तो उसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो लेवल आउट हो जाता है The great circulation of money, which was general at the beginning, ceases. Poverty and misery follow, and the labor of the mines appears to be only to the advantage of those employed upon them and the foreigners who profit thereby. So, the, so this is very important because what he's saying is sunna, the closer you are to the source of money, the more you benefit from the discovery of money. But as the money then circulates through the economy, in fact, the others don't benefit as much. इसको आगे जाके हम पढ़ेंगे इस कॉल द कैंटल ऑन इफेक्ट अभी पढ़ते हैं जरा उसके ऑपोजिट वो कहता है इंग्लैंड को देखो इंग्लैंड को कहता है वहां पे भी मनी बढ़ गया मगर मनी इस वजह से बढ़ा क्योंकि हमारे इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ गया इन दिस सिचुएशन द स्टेट में इन अबंडेंस ऑफ मनी कंज्यूम ऑल इट्स ओन प्रोड्यूस एंड ऑल्सो मच फॉरन प्रोड्यूस एंड ओवर एंड अब ऑल दिस मेंटेन अ स्मॉल बैलेंस ऑफ ट्रेड अगेंस्ट द और एटलीस्ट कीप द बैलेंस ऑफ level for many years that is important exchange for its work and manufactures as much money from these foreign countries as it has to send them for the commodities or products of the land it takes from them in other words if productivity so this whole idea is then now called the Cantillon effect

And their value will be arrived at roughly by the altercations of the market. Doubling the quantity of money in a state, the prices of products and merchandise are not always doubled. First money okay. double, yeah, her price commodity price double. The proportion of the dareness which the increased quantity of money brings about in the state will depend on the turn which this money will impart to consumption and circulation. कमोडिटी की प्राइस कितने से बढ़ेगी एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द वे इन विच कंजम्पन एंड सर्क्यूलेशन ऑफ मनी इज टेकिंगस इन दैट इकोनॉमी सो मार्केट प्राइस विल राइज मोर फॉर सर्टन थिंग्स देन फॉर अदर्स हाउ एवर अबंट द मनी मे पी आई कंक्लूड दैट इन इंक्रीज ऑफ मनी सर्क्यूलेटिंग इन स्टेट ऑलविज कॉजेज देर इन इंक्रीज ऑफ कंजम्पशन एंड हायर स्टैंडर्ड ऑफ एक्सपेंस यानी कि हर चीज की प्राइस बढ़ेगी अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी बट

कैसे शुरू हुआ कहता है नीडी मैन मस्ट इन द बिगिनिंग हैव टेम्पटेड लैंडर्स बाय द बेट ऑफ अ प्रॉफिट साहब जी प्लीज मैं पैसे दे दो अगर तुम तो मैं पैसे दे, दे। कि दी फीसद इजाफे करके तुम वापस भेज देंगे ठीक है एंड दिस प्रॉफिट मस्ट हैव प्रोपोर्शनल टू द नीड्स ऑफ द बोवर्स एंड द फेयर एंड एवरेज ऑफ द लैंडर्स ठीक है लैंडर्स को कितना जितना डर है कि इसने वापस नहीं करने पैसे और जितनी आपकी ज़्यादा ज़रूरत है उतने आप डेस्परेट हैं उतने मेरे पास जिसको कहना चाहिए ना बारगेनिंग स्टिक है तो उतना ज़्यादा मैं ट बारगेन करूंगा उतना ज़्यादा आप अपने आप को जो है ना वो आ, कहेंगे कि आई एम रेडी टू पे इन यू नो डबल इंटरेस्ट आई एम रेडी टू पे इन ट्रिपल इंटरेस्ट एक्सेट्रा क्योंकि आपकी नीड इतनी सख्त है कहता है यहाँ से इंटरेस्ट पैदा हुआ होगा सूद जो है जो रिबा वगैरह लेबरर्स कैन बिकम ऑनट्रप्रनोर्स थ्रू लोन्स कहता है अगर अच्छा लेबरर है वो अब अच्छा काम कर सकता है तो फ़र्ज करें कि वो एक लोन लेता है वो प्लांट करता है प्लांट, करता है, प्लांट करने के बाद वो उस लैंड को लोन से खरीद लेता है वो लोन को आहिस्ता आहिस्ता पे बैक करेगा और अब वो एक ऑन्सरप्रोनो बन जाएगा तो इसलिए लोन जो है वो बेनिफिशियल है मगर अगर वो लोन पे बैक नहीं कर सका तो जदी पुष्टि वो मकरूज हो जाएगा वो ये भी एक्नॉलेज करता है कहता है मगर पॉसिबिलिटी बन जाती है फॉर पीपल टू बिकम ऑनसिन बाय टेकिंग लोन्स एंड एंड स्मॉल स्मालनसिन ऑब्वियसली कैन बिकम बिगर एंड बिगर ऑनसोज बाई टेकिंग लोन्स तो आपने उस दिन क्वेश्चन पूछा था कि क्रेडिट का फायदा क्या है तो ये आपको वो क्रेडिट का फायदा बता रहा है कि क्रेडिट एक्सेलरेट्स द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एंड कैपिटलिज्म एंड इवन, ठीक है? कहता है रेट ऑफ प्रॉफिट और इंटरेस्ट का इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप बताता है कहता है देखो जी हो सकता है कि एक छोटा वाटर कैरियर जो है उसका रेट ऑफ प्रॉफिट बहुत हाई है वो उसकी जो कॉस्ट है उसमें से वो हंड्रेड परसेंट टू हंड्रेड परसेंट वन थाउजेंड परसेंट प्रॉफिट कमा रहा है पानी लेके आ रहा है और पानी कहीं पे और दे रहा है ये देखो ना ये पानी वाला मैंने यहाँ बनाया है मगर वो एक पेटी अंडरटेकर है और वो रेट ऑफ प्रॉफिट अगर बहुत ज़्यादा भी कमा रहा है तो उसकी जरूर उसके मुकाबले में उसकी जरूरियात जो है उसमें जो ओवरऑल प्रॉफिट बचता है वो है ही कुछ नहीं वो रेट ऑफ प्रॉफिट बहुत हाई होगा मगर वो है ही कुछ नहीं जब शुरू करने की बात ही कुछ जब वो काम कर रहा है तो वो काम ही इतने कम से कर रहा है कि वो बचता ही नहीं और फिर उसमें से जब अपनी वो सब्सिस्टेंस निकालेगा तो उसमें से वो क्या वापस को पैसे अदा करेगा सो so, इसलिए जो छोटा पेटी अंडरटेकर है ही कैन नॉट टर्न अ लार्ज प्रॉफिट ओवर एंड बिकॉज दे कैन नॉट टर्न अ लार्ज प्रॉफिट ओवर दे कैन नॉट टर्न दे लोग उनको पैसे नहीं देते अब बाय द वे देखो कि जो पूरा ग्रामीण बैंक और यहाँ पे अखूवत और माइक्रो लैंडिंग का आइडिया है वो ही है ही ये कि छोटे अंडरटेकर को हमने पैसे देने वो कह रहा है कि इसका फ़ायदा नहीं है मगर बहरहाल अब लोगों ने कहना शुरू किया कि नहीं नहीं इसका फ़ायदा हो सकता है और हमने देने हैं स्मॉल लॉन्स From these examples and inductions, it seems that there are, in a state, many classes and channels of interest or profit. That in the lowest classes, interest is always highest in proportion to the greatest risk. Jitna risk zada hoga, utna rate of profit or rate of interest you have badhana padega in order for that loan to take place, and that it diminishes from class to class up to the highest, which is that of merchants who are the rich and reputed solvent. Yani merchants jo hai. मर्चेंट जो है वो बहुत डिपेंडेबल है कि इसको मैंने अगर पैसे दिए तो ये जो है मुझे लाजमी अपना वापस पैसे दे देगा इंटरेस्ट भी दे देगा इसलिए उनका जो वो बड़ी लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है जितना रिस्क हाई होगा उतना फिर इंटरेस्ट रेट भी आप ज़्यादा लेंगे देखो अब ये इस बंदे ने आज से तीन साल पहले बात कर दी है जो आज भी हम जब इकनो फाइनेंस वगैरह पढ़ते हैं और उसमें रिस्क असेसमेंट करते हैं कि कितना इंटरेस्ट रेट रिस्क वगैरह रिस्क वर्सेस इंटरेस्ट रेट तो ये 300 400 साल पहले उसने आपको बता दिया कि रिस्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट रेट द हायर द रिस्क द हायर द इंटरेस्ट रेट फिर एक बार आखिर में एक इंटरेस्टिंग सी बात वो बताता है कि एथेंस के टाइम में 18% इंटरेस्ट रेट था फिर रोमन रिपब्लिक के टाइम में 12% फीसद था मगर 48% फीसद तक भी हो सकता था 20 8 6% फीसद, 4% फीसद तक भी आ जाता था फ्री मार्केट वगैरह रिपब्लिक अगस्टस कॉन्क्वेस्ट ऑफ इजिप्ट के पीरियड के अंदर बहुत लो था एम्पर एंटोनियस एलेक्जेंडर सेवरस के पीरियड के अंदर फोर परसेंट पे आ गया था आई जस्ट थाट वज इंटरेस्टिंग सोटिंग जैस आई डोट रीजन टू थिंक दैट इट्स इन एक्ूरेट बट इट्स 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 गैस ऑफ ऑब्वियसली उस जमाने के अंदर इतनी एग्जैक्ट फिगर्स ये सारा इनफॉर्मल क्रेडिट है को लिख तो रहा नहीं है मगर मोटा मोटा ऐसा अब उसने कहीं से लगाया आई डोंट नो व्हाट हिज सोर्सेज आर ही हैजंट मेंशन देम ईदर